नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल GFXArt में। मैं हूं आपका ट्रेनर सैम और सीखते हैं आज फोटोशॉप में ब्रश एडिटिंग किस तरह करते हैं। तो दोस्तों, ब्रश ये फोटोशॉप का एक बहुत ही नाजुक हिस्सा है और इसे आप बहुत ही अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि इसी टूल के द्वारा आप फोटोशॉप में एडिटिंग और ड्राइंग ये दो चीज हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं फोटोशॉप में ब्रश सेटिंग्स किस तरह करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ब्रश टूल्स। तो सबसे पहले हम टूल बार में जाते हैं और यहां एक आइकन को आइडेंटिफाई करते हैं जिसका नाम है ब्रश टूल। अगर आप इसे राइट क्लिक करेंगे या इधर एक छोटे बटन के ऊपर अगर आप प्रेस करेंगे इस तरह, तो आपको दिखेगा कि यही टूल के अंदर तीन और टूल है, जैसे पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है और मिक्सर ब्रश टूल है। पर फिलहाल आज के सेशन में हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे ब्रश टूल, और रिमेम्बर कीजिए कि उसका शॉर्टकट है बी। तो ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद जो अगली चीज है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, कलर। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ दो कलर है, इसे बोलते हैं फोरग्राउंड कलर और इसे बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। तो जो भी आपका फोरग्राउंड कलर है वो कलर से ये ब्रश पेंट होएगा। इसका मतलब कि अगर मैंने अभी मेरे ड्राइंग बोर्ड पे कुछ भी पेंट करने की कोशिश की तो वो ब्लैक कलर में आएगा। एग्जाम्पल इस तरह, तो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर में आ रहा है, मगर ये हल्का सा क्यों है, क्योंकि यहाँ एक फ्लो है, उसे मैं 100% कर देता हूँ और अभी आप देखेंगे ये पूरा ब्लैक कलर में आ रहा है। तो दोस्तों, एक तो हमने जान लिया ब्रश टूल क्या है, सेकंड हमने जान लिया फोरग्राउंड कलर कैसे है, सेकंड हमें जानना है कि ब्रश टूल कैसे, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस सिलेक्ट करना है। तो अगर आप इधर टॉप पे जाएंगे और इधर आप एक ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस मिलेंगे। तो फोटोशॉप में बाय डिफॉल्ट आपको बहुत ब्रशेस मिलते हैं, जैसे जनरल ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस, वेट मीडिया ब्रशेस, और इसके अलावा आप बहुत से खुद के ब्रशेस भी बना कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं जनरल ब्रशेस जो फोटोशॉप के डिफॉल्ट है वो सिलेक्ट करता हूँ, और उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस हैं। तो उसमें मैं एक ब्रश सिलेक्ट करता हूँ जिसका नाम है हार्ड राउंड। इधर से आप ब्रश की साइज डिसाइड कर सकते हैं और इधर से आप ब्रश का हार्डनेस, इधर से आप ब्रश को रोटेट भी कर सकते हैं और उसकी जो विड्थ है उसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं इस तरह। तो फिलहाल अभी हम उसे डिफॉल्ट ही रखते हैं और हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है ब्रश में, तो हम लोग ये डिफॉल्ट ब्रशेस से ही काम करते हैं। इसे मैं सेंटर में कर लेता हूँ और इसे रेगुलर साइज कर लेता हूँ। ये जो है आपका डिफॉल्ट ब्रश है। तो आप देख रहे हैं मैंने एक हार्ड राउंड ब्रश सिलेक्ट किया है और डिफॉल्ट साइज है और हार्डनेस है। अभी मैं इस पर एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये बॉक्स बंद हो जाएगा, और अभी जैसे मैं ड्रॉ करने लगूंगा तो इसे बोलते हैं हार्ड ब्रश। अगर मुझे ये ब्रश को सॉफ्ट करना है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं इधर जा सकता हूँ और इधर से सॉफ्ट राउंड ब्रश सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सॉफ्ट राउंड ब्रश सिलेक्ट कर दिया तो मुझे आप देखेंगे इधर इसको एक हल्की सी सॉफ्ट बॉर्डर आ रही है, तो इसे बोलते हैं सॉफ्ट राउंड ब्रश। अगर मुझे ड्राइंग करते करते ही मुझे ब्रश की हार्डनेस या सॉफ्टनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो फोटोशॉप में एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है जिसे बोलते हैं ऑल्ट। तो अगर आप ऑल्ट की को प्रेस करके साथ में माउस का राइट बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप माउस को राइट साइड ड्रैग करेंगे तो आप
आपकी ब्रश साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आप माउस को लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे तो आप आपकी ब्रश साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप ऑल्ट प्रेस करके राइट माउस बटन प्रेस करके अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपके जो ब्रश है उसका हार्डनेस कम होएगा, और जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपका ब्रश का हार्डनेस इंक्रीज होते जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं मैं ये ब्रश का हार्डनेस 100% कर लेता हूं, तो अभी ये ब्रश एकदम हार्ड हो गया। उसी तरह मैं ऑल्ट प्रेस करके ये ब्रश का अभी हार्डनेस कम कर देता हूं इस तरह से, और ब्रश की साइज भी मैं थोड़ी कम कर देता हूं, और अभी आप देखेंगे तो ये ब्रश हो गया सॉफ्ट ब्रश। तो इस तरह आप ब्रशेस को हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आपको जानना है वो है राइट स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप कीबोर्ड से राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आप ये जो आपका ब्रश है उसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं, या अगर आप लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आप ये ब्रश की साइज छोटी कर सकते हैं इस तरह। तो ये एक नेक्स्ट शॉर्टकट हो गया ब्रश के बारे में। अभी अगर आपको ब्रश का कलर चेंज करना है तो बस आपको ये फोरग्राउंड कलर पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो चाहिए वो कलर सिलेक्ट कीजिए और आप पेंट कीजिए तो आपका ब्रश उस कलर में प्रिंट करने लगेगा। अभी अगर आप देखेंगे, अगर मैंने कोई ऑलरेडी कोई इमेज ड्रॉन है और उसके ऊपर मैंने अगर कलर कर दिया तो ये इमेज उसके ऊपर एक कोट बना देता है। तो अगर मुझे ये जो नया कलर है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए तो इधर एक ऑप्शन मिलता है जिसे बोलते हैं ओपेसिटी। तो अगर मैंने इसकी ओपेसिटी देखो कम कर दी तो जैसे मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे मेरा ब्रश ट्रांसपेरेंट मिलेगा। मैं इसकी ओपेसिटी के साथ थोड़ा इंक्रीज भी कर सकता हूं, अब देखेंगे कि सी थ्रू इफेक्ट मिलेगा ये ओपेसिटी के थ्रू। तो ये एक ओपेसिटी बटन है। बाय डिफॉल्ट ब्रश की ओपेसिटी 100% रहती है, मतलब वो जरा भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, और वो करने के बाद आपका जो इमेज है उसके ऊपर एक कोट बना देते हैं। नेक्स्ट आपको जानना है ये फ्लो। तो बाय डिफॉल्ट जो आपके ब्रश का पेंट का फ्लो रहता है वो 100% है, इसलिए आपका ब्रश एकदम डार्क आता है। मगर अगर मैंने इसका फ्लो कम कर दिया इस तरह तो अभी आप देखेंगे तो एकदम लाइट कलर्स आने लगते हैं। तो जब आप टचअप करते हैं इमेज को तो आप ब्रश का फ्लो कम करके हल्का हल्का सा टचअप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्लो के बारे में। अगर आपको कोई दूसरा ब्रश सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ आइए और इधर से आप अलग ब्रश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ओक टी ब्रश बनाया हुआ है, मैं आप इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसे छोटा भी कर सकता हूँ। ये विंडो को बंद कर दिया और ये ब्रश को मैंने छोटा कर दिया इस तरह से, और चाहे उधर मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ, इसकी ओपेसिटी को और फ्लो को 100% कर देता हूँ तो ये ब्रश हो जाता है। और मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ ग्रीन, और फिर मैं इसे इस तरह से पेंट कर सकता हूँ, या अगर मुझे सिल्वेट बताना है तो मैं इसे ब्लैक कर सकता हूँ। आने वाले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि ये ब्रश, ये जो ट्री ब्रश है ये किस तरह से बनाया जाता है। तो इस तरह से आपको अलग अलग टाइप के ब्रशेस मिलते हैं, जैसे कि अभी आप देखिए यहाँ बिग ट्री ब्रश है, इसे भी मैं छोटा कर सकता हूँ, और ये हो गया बिग ट्री ब्रश, इधर से आप देख सकते हैं,
और बहुत ही अच्छा है, ये नॉर्मल ट्री ब्रश है, इसे भी मैं, ये एक बंच ऑफ ट्रीज है तो इसे भी मैं छोटा कर सकता हूँ, और इस तरह ये बंच ऑफ ट्रीज भी है। तो इस तरह आप अलग अलग टाइप के ट्रीज भी ले सकते हैं कोई सीनियरी बनाने के लिए। आने वाले दिनों में मैं एक छोटा सा स्किल सेक्शन में एक लेक्चर बनाने वाला हूँ कि ये ब्रशेस के द्वारा आप कैसे एक छोटी सीनियरी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सीख गए हैं आज ब्रश कैसे सिलेक्ट करना है, ब्रश की साइज कैसे इंक्रीज करना है, ब्रश का कलर कैसे सिलेक्ट करना है, ब्रश की ओपेसिटी कैसे एडजस्ट करनी है, और ब्रश का फ्लो कैसे कम या ज्यादा करना है। इसी के साथ हमारा आज का जो ब्रश सेटिंग्स का सेशन है यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में और हम एक अगला टॉपिक सीखेंगे। मगर दोस्तों, मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये जो मेरे सेशंस आप सीख रहे हैं, इसके अलावा मैंने मेरे चैनल पे एक और प्लेलिस्ट किया है जिसमें मैंने स्किल एप्लीकेशन करके वो प्लेलिस्ट को नाम दिया है। तो ये जो भी आप सीखते हैं उसको कैसे अप्लाई करना है वो सब वो प्लेलिस्ट पे है। तो आशा करता हूँ कि आप वो प्लेलिस्ट को भी स्टडी कीजिए और वो प्रोजेक्ट्स भी प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए हैप्पी डिज़ाइनिंग।